नमस्कार, मैं कर्नल अजय CEO ajaystomanyguru.com से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 21 नवंबर सन 2021, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर बहुत चर्चित गवार सीड एवं गवार गम, जीरा एवं प्याज में होने वाली विशेष हलचल, सोने चांदी के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी, इसके अतिरिक्त शेयर बाजार में किन शेयर्स पर रखनी चाहिए नज़र। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, बाजार तेज चल रहे हैं या मंदे, लेकिन आपका मुनाफा आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, 4 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद नहीं है। आपकी जबरदस्त तेजी, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता अक्सर आपको दूसरों से आगे रखती है, लेकिन आज आप थोड़ा सावधान रहें। 11 से 12 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि दिन मिश्रित रहने की संभावना है। 2 से 3 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में MCXK पर विशेष ध्यान रखें। 4, 8, 12 यानी वृश्चिक, कन्या और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, दिन आपका अच्छा रह सकता है। आपका धैर्य आपको अक्सर मुनाफा दिलवाता है, आज भी आप मुनाफे कमाने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में रखनी चाहिए आपको अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने लगभग 6 महीने पहले एक विशेष गवार पे एक विशेष शो किया था, उसमें यही कहा था कि गवार के अंदर हमें तेजी नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त 3 महीने पहले और लगभग 1.5 से 2 महीने पहले भी आपको लगातार हम अपने आपको अपडेट दिया, गवार की लगभग 1 करोड़ बैग्स यानी 1 करोड़ बोरी की वार्षिक आवश्यकताएँ होती हैं, लेकिन इस बार किसानों ने गवार सीड की बुआई में जबरदस्त कमी देखी गई है। किसानों का मोह लगातार भंग हुआ। पिछले लगभग 8 से 10 सालों में गवार सीड की जबरदस्त गिरावट की वजह से किसानों को लगातार नुकसान हुआ और कारोबारी भी बड़े हैरान परेशान होते देखे गए, लेकिन क्योंकि गवार सीड को बरसों तक सहेज के रखा जा सकता है, अतः कुछ किसान एवं कुछ कारोबारियों ने हिम्मत करके माल रोक के रखा और इसको कम भावों में बेचा नहीं, लेकिन उनका ब्याज भाड़ा और गोदाम का किराया और उसकी देखभाल में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। यदि गवार सीड में तेजी आती है तो उनको भाव मिलने के बाद भी उनके संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि हो, इसमें भी संशय है। तो दोस्तों, विशेष ख्याल रखिएगा, गवार सीड एक ऐसी कृषि उपज है जिसके ऊपर सरकार का भी ध्यान अक्सर नहीं रहता है, क्योंकि ये आमो खास से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होती है और इसके भावों में तेजी या बढ़ोतरी से आम आदमी भी इससे प्रभावित नहीं होता है। ये सिर्फ पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के कारोबारी बंधु एवं किसानों की एक विशेष पसंद होती है और गवार सीड के अंदर तेजी की वो बरसों से आस लगा के बैठ सकते हैं। आज संभवतः गवार सीड एवं गवार गम के ऊपर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि 20 सितंबर को NCDX के ऊपर गवार वायदा का कटान हुआ और उसके बाद गवार के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको याद कीजिए, हमने गवार सीड के ऊपर मंदी के झटकों की अग्रिम विश्लेषण आपको मार्केट टाइम्स एवं हमारे अपने स्वयं के चैनल पर लगातार दिए, जो कि अक्सर सत्य साबित हुए। आप गवार सीड की विशेष रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। गवार सीड के अतिरिक्त आज जो तेजी दिखा सकता है वो है जीरा। जीरे के अंदर भी आज तेजी की संभावना बन सकती है और इसके अंदर भी कारोबारी ध्यान रखें। प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि उपज है जो कि हर आमो खास की जरूरत है और प्याज के दामों में तेजी ना हो, ये आम उपभोक्ताओं की रीच में रहे, उसके लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत रहती है। आपको याद होगा प्याज के ऊपर हमने लगातार बात की है। आज पुनः आपसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय प्याज के अंदर तेजी की संभावना नजर आ रही है। इसके अंदर प्याज की फसल में होने वाले रोग भी एक प्रमुख कारण बन सकते हैं। एक और विशेष
गौरतलब बात है जो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके हमने लगातार आपको अपडेट दिए थे कि आपको यही कहा था कि जुलाई अगस्त का महीना औसत से कम बरसात होगी। सरकार ने भी इसको माना और ये डिक्लेयर किया कि अगस्त महीने में 30% कम बरसात हुई, जबकि सितंबर माह में 30% अधिक बरसात हुई, जिसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने आपको लगातार दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर भारतीय मौसम विभाग भी फेल हुआ और उसने भी कहा था कि जुलाई अगस्त में औसत से अधिक बरसात होगी, मानसून बहुत बढ़िया है, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और पुनः अपडेट है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर माह में विदाई के बजाय अक्टूबर माह में विदाई होने की संभावना बनेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर माह का अंतिम सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तेज बरसात भारत के विभिन्न हिस्सों में होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है और ये फसलों के लिए संभवतः बहुत मुफीद या अच्छी नहीं रहे, इसका भी विशेष ख्याल रखिएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी समय उतार चढ़ाव का चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज के ऊपर भारतीय बाजार भी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है और उसके अंदर गिरावट की बनती जा रही है, लेकिन याद रखिएगा भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इसमें हैरान परेशान होने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। आप अच्छे चुनिंदा शेयर्स के ऊपर नज़र रखें और उसको मध्यम अवधि के लिए रखें तो आपको मुनाफा मिलने की संभावना बनेगी। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखें, संभवतः आने वाले समय के अंदर यह अच्छा मुनाफा दे सकता है। कमोडिटी बाजार के अंदर आज आप चांदी पर अतिरिक्त सावधानी रख सकते हैं। बुलियन के अंदर बहुत तेज उतार चढ़ाव की संभावना बनेगी, छोटे व्यापारी चांदी के व्यापार से दूर हटें या दूरी बनाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी विश्व की उन चुनिंदा मेथोडोलॉजीज में से एक है जो आपको बाजारों की गतिविधियों पर पैनी नज़र एवं सटीक विश्लेषण करने में हमेशा मदद करती है। हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, आप जो भी महानुभाव इसको सीखना चाहें शनिवार एवं रविवार को क्लासेस में ज्वाइन कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।